तो दोस्तों कई बार आप इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलते हैं, जैसे कि बाकी पैसे कहाँ हैं, या फिर बाकी सामान कहाँ है, या फिर बाकी बच्चे कहाँ रह गए। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने वाले स्ट्रक्चर के ऊपर। तो देखिए, इसके स्ट्रक्चर में आपको जो ये वर्ड है बाकी, इसके स्थान पर आपको यूज करना है रेस्ट ऑफ दी, और लास्ट में आपको जो आप जिसके बारे में बोलना चाहते हैं उसको आपको लिख देना है। और जो सबसे आगे है इसमें आपको लगाना है यहाँ पर वेयर, व्हाट, जो भी आप बोलना चाहते हैं उसको आपको लगा देना है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले, यदि अभी तक आप हमारी बुक्स को और हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, इसका पहला एग्जाम्पल क्या है, बाकी पैसे कहाँ हैं। तो इसकी इंग्लिश बनेगी वेयर इज़ द रेस्ट ऑफ मनी। तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बाकी सामान कहाँ है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी वेयर इज़ द रेस्ट ऑफ स्टफ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इज मैंने लगाया है, यदि कोई चीज़ प्लूलर है तो उसमें आप इसमें आर का यूज भी कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बाकी बच्चे कहाँ हैं। तो इसकी इंग्लिश बनेगी वेयर आर द रेस्ट ऑफ किड्स। तो इस तरह से आप इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, बाकी खाना कहाँ है। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।